हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि आप जो है कैसे सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस मोबाइल पे डेट को जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है वो जो है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस मोबाइल है। दोस्तों, अगर आपको जो है दूसरा मोबाइल है तो भी आप जो इस वीडियो को देख के जो है सीख सकते हो कैसे जो है डेट और टाइम को सेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल है उस पर जो है सेटिंग ओपन कर लेना है अपने मोबाइल पर। और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल है उस पर सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो है यहाँ पे सर्च वाला भी ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको जो सर्च करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो डेट एंड टाइम, तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका जो मोबाइल है वो जो है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस मोबाइल है, तो आपको जो है यहाँ पे नीचे साइड में मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जो है क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेट एंड टाइम का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट टाइम जोन है और यहाँ पे सेट डेट है और यहाँ पे सेट टाइम है। तो दोस्तों, इसको आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, अगर आप जो इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है डेट और टाइम को जो है अपने आप ही यहाँ पर सेट कर देगा। ये जो है सबसे अच्छा है, ये डायरेक्ट आप जो है इस पर क्लिक करके सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है यूज़ 24 आवर फॉर्मेट, तो इसको आप जो है एनेबल कर सकते हो। इसका मतलब है अगर आप जो है रेलवे टाइम में यहाँ पे सेट करना चाहते हो अपना जो मोबाइल है उसका डेट, तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल रहेगा अगर आप जो है नॉर्मल यूज़ करते हो तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जो है लाइक कर देना, और अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।